नमस्कार दोस्तों, नरेशन के इस तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। इसके पहले भी इस पे दो वीडियो बन चुके हैं, जिसमें पहला पार्ट में हम चेंज ऑफ पर्सन और दूसरा पार्ट में चेंज ऑफ टेंस पढ़ चुके हैं। तो उस वीडियो का आप अगर नहीं देखे तो पहले उसको जाकर देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ये रिपोर्टिंग भर में ये जितने भी आप शब्द देख रहे हैं, दिस, दिज, हेयर, हैंस, नाउ, टुडे, टुनाइट, इस तरह के शब्द अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिले तो उसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, इसमें हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिस दिखाई दे तो उसको हम हमेशा दैट में चेंज कर देते हैं। किसमें? दैट में। दिस को किसमें चेंज करेंगे? दैट में चेंज कर देंगे। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिस दिखे तो इसको दोज में चेंज करेंगे। उसके बाद अगर हियर दिखाई दे तो इसको देयर में चेंज करेंगे। अगर हैंस हो तो इसको देंस में चेंज करेंगे। अगर नाउ हो तो इसको देन में चेंज करेंगे, ठीक। उसके बाद अगर इसमें टुडे हो तो दैट डे, दैट डे। टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करेंगे, दैट दैट नाइट, ठीक। उसी प्रकार टुमारो को द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ठीक, या द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। उसके बाद अगर स्टरडे हो तो स्टरडे को हम चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक। या फिर इसको हम चेंज कर सकते हैं द डे बिफोर, द डे बिफोर। इसको एक और रूप में चेंज कर सकते हैं द फॉलोइंग डे भी इसको लिख सकते हैं, टुमारो के लिए द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब चलिए अगर बात की जाए द डे बिफोर स्टडी, यानी कि अगर बीता हुआ परसों की बात करें तो इसके लिए हम लिखेंगे द प्रीवियस, सॉरी, इसके लिए हम लिखेंगे टू डेज बिफोर, टू डेज बिफोर। उसके बाद द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि जो आने वाला परसों है उसकी बात करें तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे टू डेज बिफोर लिखे हैं वैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू डेज आफ्टर, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू डेज इन टू डेज टाइम, ठीक, इन टू डेज टाइम, ठीक, इन टू डेज टाइम। और इसको क्या लिखेंगे, टू डेज बिफोर। इस प्रकार से हम चेंज करके डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं जब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। इसके अलावा भी कुछ होते हैं जिसको चलिए और देख लेते हैं। उसी प्रकार हम 10 को वो में चेंज कर देंगे, द नेक्स्ट को द फॉलोइंग में चेंज कर देंगे, द लास्ट को द प्रीवियस में चेंज कर देंगे और एगो को बिफोर में चेंज कर देंगे। तो ये चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है और बहुत ज्यादा कुछ समझने वाला बात नहीं है। बस इसमें हमको यही याद, जितने भी मैं ये डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट जो जितने भी ये बताया गया है वर्ड, इन सबको सिर्फ याद कर लेना है और इनके इनडायरेक्ट को याद कर लेना है। बाकी इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ईजी है, इन सबको आपको याद कर लेना है। तो चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए अभी एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, ही सेड टू मी आई शैल मीट यू टुमारो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला ही सेड टू मी, यानी कि इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या करेंगे, ही को ही रहने देंगे, सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे जो कि बता दिया गया आपको। उसके बाद टू को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको लिखेंगे मी को लिखेंगे। और इसके बाद इस इन्वर्टेड कोमा की जगह हम दैट को लिखेंगे, ही टोल्ड मी दैट। उसके बाद क्या करेंगे, आई, आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ही, तो ही टोल्ड मी दैट ही।
उसके बाद देखिए सेल को बताया गया है कि सेल को आप सुड और उड दोनों में चेंज कर सकते हैं, बस बसते आप देख लें कि सिचुएशन क्या है। तो ही के साथ सुड तो लगाना बेहतर होगा, नहीं तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे उड। अगर ना समझ में आए तो हर जगह उड लगाइए सही होगा, ठीक। अगर सेल को चेंज करना है, अगर ना समझ में आए कि हम क्या लगाएं, तो आप हर जगह उड लगाइए, आपका बिल्कुल सही होगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही उड, ही उड। उसके बाद क्या है मीट, तो मीट का मीट ही रहेगा, मीट। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो यहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा मी, ही वुड मीट मी। टुमारो, टुमारो को हमें चेंज करना है, यही है हमारा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो टुमारो को हम लोग क्या पढ़ा है कि टुमारो को हम क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, ठीक, या द कमिंग डे, ठीक। तो इनमें से कोई भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि ही वुड मीट मी द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे हमारा पहला बन गया। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा, सी सेड सी वेंट देयर स्टडी। तो सबसे पहले हम सी, चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहने देंगे, अगर ऑब्जेक्ट होता तो उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो सी सेड दैट, सी सेड दैट, उसके बाद सी है तो सी ही रहने देंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। सी उसके बाद वेंट है, ठीक, तो वेंट यानी वी टू, वी टू को किसमें बताया गया है चेंज करने के लिए, तो वी टू को हम हैड प्लस वी थ्री में चेंज करेंगे, यानी कि सी हैड गॉन देयर। देयर को तो चेंज करने के लिए नहीं बताया क्योंकि देयर तो पहले से ही जो है ये इसका कुछ चेंज होगा नहीं क्योंकि देयर है, तो देयर ही रह जाएगा। अगर हियर रहता तो देयर लिख देते, लेकिन यहाँ पे तो पहले से देयर है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे देयर ही लिखेंगे, ही हैड गॉन देयर। अब बच गया स्टडी, तो स्टडी को चेंज करने के लिए बताया गया किस चीज में, द प्रीवियस डे के रूप में, द यहाँ पे लिख देता हूं द प्रीवियस डे। तो ये हमारा दूसरा भी बन गया। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा ही सेड आई कैन डू दिस वर्क। तो यहां पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे लिख देंगे, ही सेड दैट आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा, यानी कि ही, तो ही कैन के लिए क्या कर देंगे पास्ट इसका कुड हो जाएगा, ही कुड, डू के लिए डू ही रहेगा, दिस का क्या कर देंगे दैट, दिस का क्या हो जाएगा दैट वर्क। तो ये हमारा बन गया और यहीं पे हमारा चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हुआ। कोई इसमें बहुत विशेष चीज नहीं है, अगर चेंज, अगर आपको चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस अगर आपको आता हो तो ये कुछ भी नहीं है, अगर ये दोनों नहीं आता हो तो इसके पिछला वीडियो देखिए उससे सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा सब कुछ, समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, इसका अगला वीडियो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर बना आपको मिलेगा, ठीक। चलिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।